हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आस्थास लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम आपको मशरूम की सब्जी बना के बताएंगे, मम्मी की रेसिपी रहेगी, पूरा ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड, मैं भी आप लोग को मशरूम की सब्जी बनाना बताऊंगी। ये मशरूम की सब्जी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में इसको फुटू बोलते हैं। मशरूम की सब्जी बहुत टेस्टी भी होता है और बहुत पौष्टिक भी होता है। आइए चलिए मैं आपको मशरूम की सब्जी बता दूँ। ये है छत्तीसगढ़ की मशरूम, गोल होती है और इसके जो नीचे वाले पार्ट होते हैं वो लंबे से होते हैं। इसको धो लिया गया है और इसको साफ़ करने का अलग तरीका होता है। सबसे पहले नीचे वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं और उसे खाया नहीं जाता, सिर्फ ऊपर वाले और बीच वाला जो पार्ट है उसको खाते हैं। और तीन पार्ट में डिवाइड करके बीच वाले पार्ट को रेसे रेसे जैसा निकाल के अलग कर लेते हैं। मशरूम की सब्जी में बनाने वाली सामग्रियाँ हैं तो कटी हुई प्याज, लहसुन प्याज का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, तीन टमाटर पिसी हुई, तेज पत्ता दो चार, काली मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला घर का बना हुआ और तेल। आइए सबसे पहले हम लोग कढ़ाई चढ़ाते हैं। अब मशरूम की सब्जी बना रही हूँ, इसमें चार चम्मच तेल डालना है। तेल गर्म होने के बाद इसमें और पांच छह काली मिर्ची, ये मिर्ची लकड़ी, जीरा तेज पत्ता डाल दी हूँ। इसके जीरा को थोड़ा सा लाल चटकने दीजिए। अब प्याज डाल के उसको ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें प्याज के पेस्ट को डालेंगे और उसको भूनेंगे। और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसको कम ज़्यादा। अब हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट और उसको भी अच्छे से भून लेंगे। और फिर कुछ मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और फिर हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इसको सिर्फ कलर के लिए डाला जाता है, ये तीखी नहीं होती है। अब हम डालेंगे नमक, वो आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं कम ज़्यादा। और फिर इसके बाद डालेंगे हम गरम मसाला, जो ये गरम मसाला हमने घर पे बनाया हुआ है, आप कोई भी गरम मसाला ले सकते हैं। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे फूटू यानी कि मशरूम। मशरूम डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे और 5 मिनट के लिए रख देंगे स्लो फ्लेम में, ताकि वो मसाला मशरूम पर अच्छे से चला जाए। पूरे मसाले से अच्छे तरीके से मिल चुका है। अब इसमें हम 1 गिलास जैसा पानी डाल देंगे ताकि वो और अच्छे से नमक उसके अंदर जा पाए, और 2-3 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा तो होता ही है, साथ ही ये बहुत पौष्टिक है। इसमें बहुत सारे विटामिन, प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है और इसको प्रायः सभी जगह खाते हैं मशरूम को। हम लोग इसके छत्तीसगढ़ में मशरूम जो है वो अलग प्रकार का है, पर बाहर में मिलता है मशरूम। छत्तीसगढ़ में बाहर में जो मिलता है उस मशरूम को बटन मशरूम बोलते हैं।
और भी कई प्रकार के मशरूम आते हैं, वो भी ऐसा ही बन सकता है। अब हमारे मशरूम की सब्जी को देखेंगे। ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई। थोड़ा सा ग्रेवी रहता है, ग्रेवी में उतारना चाहिए क्योंकि इससे ग्रेवी रोटी चावल दोनों के साथ ही अच्छा लगता है। और चाहें तो आप सूखा भी बना सकते हैं, पर इतना ही ग्रेवी में सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें खुशबू और स्वाद के लिए मैं धनिया पत्ती, कटे हुए धनिया पत्तियाँ डाल रही हूँ। ये लीजिए मशरूम की सब्जी बनकर तैयार। गाइस, मशरूम की सब्जी बन गई। मम्मी बहुत टेस्टी मशरूम की सब्जी बनाई थी, हम सबको बहुत अच्छा लगा। आप सबको भी रेसिपी अच्छी लगी होगी, आई होप। प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही रेसिपी देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।